राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग एक साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है, मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे, इसी तरह से पूरनपुर पीलीभीत, इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर FIR। आप जिस दौरान कन्वॉय से गुजर रहे थे, क्या इस हिंसक झड़प के पहले आपके कन्वॉय पर पत्थरबाजी हुई? कोई नहीं, हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया था और हम थोड़ा उससे पहले से हम लोगों को दूसरे रास्ते से घुमा दिया। क्या प्रशासन के दौरान कोई विरोध नहीं दर्ज हुआ था? नहीं, हमारे जहां पर वो विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे उस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से हमको प्रशासन लेकर के कार्यस्थल पर जा रहा था। क्या प्रशासन को अंदेशा था कि इस तरह की कोई घटना घट सकती है? देखिए, इसका उचित जवाब जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो दे पाएंगे। मैं तो परसों रात में ही दिल्ली से आया, तो यहाँ की जो सारी जानकारी है वो यहाँ के प्रशासन से आप पूछे। ये जानकारी मिली कि प्रशासन ने इस कार्यक्रम को निरस्त करने की सलाह दी थी? अब अगर निरस्त करने की सलाह दी होती तो निरस्त हो ही जाता। ये तो कार्यक्रम कुछ ऐसा नहीं था, ये हमेशा से होता था और ये प्रतिवर्ष होता है और हजारों लोग शामिल थे और कार्यक्रम हुआ। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम में वहाँ कोई पहुँचा भी नहीं। ये जो घटना स्थल है वो कार्यक्रम से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और कार्यक्रम 11 बजे शुरू हुआ था और जब ये घटना दुखद घटना हो गई है तो उसको बाइंड अप हम लोगों ने करके समाप्त कराया, तब तक वो कार्यक्रम चल रहा था। आप गृहमंत्री भी हैं तो क्या आपके और आपके बेटे के खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है? पुलिस ने कोई पूछताछ के बाद? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस FIR का कोई औचित्य नहीं है। अगर FIR दर्ज की जाती है तो गलत तथ्यों पर होगी और मेरा पूरा विश्वास अपने इन्वेस्टिगेशन पर है, अपने शासन पर है, प्रशासन पर है। जब एविडेंस कलेक्ट होंगे अपने आप स्थिति साफ होगी। मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई है, उसको उन्होंने क्या कहा है? मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात नहीं हुई है। अच्छा। अभी हमने अपने कार्यकर्ताओं से अभी रात में हम लोग उनका PM वगैरह इसे सब करके उनकी बॉडी वगैरह को उनके घर भेजने के काम में व्यस्त रहे। अभी मैं यहाँ आया हूँ, अब मैं बात करूँगा। देखिए मैं वहाँ पर था नहीं, लेकिन जो वीडियो मैंने देखा है उसमें लाठी डंडे और तलवारों से उन पर प्रहार हो रहा है, कांटे से एक को मारा गया है, वो वीडियो मैंने देखा। क्योंकि मैं मौके पर तो था नहीं तो मैं पूरी घटना बता सकूं, लेकिन वहाँ पर इस तरह से कार्यकर्ताओं को मारा गया है उसके वीडियो हैं और वो सारे वीडियो में खून से लहूलुहान है। लगातार वो लाठियाँ इतनी दर्दनाक ढंग से मार रहे हैं कि अगर आप ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से उनकी बुरी तरह से हत्या की गई है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इसके खिलाफ जो भी लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो। और हमारे कार्य मंत्री कोई भी घटना जब होती है उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे निकल करके आती है कि हाँ अगर ये ना किया होता तो ना होता, या कार्यक्रम में हम ना जाते या वो रिसीव करने ना जाते, ऐसी बातें बहुत सारी होती हैं। लेकिन अब ये घटना हो गई है जो दुखद है और उसके खिलाफ जो लोग हैं उनके कारण। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें आपके बेटे पिस्टल को हाथ में लेकर जाप में दिख रहे हैं, वो किसान संगठनों का कहना है कि उसी दिन सुबह कार्यक्रम का वीडियो है। ऐसा है, देखिए कार्यक्रम स्थल पर कोई ना किसान था ना वहाँ पर लोग थे, और अगर वो रिवाल्वर लिए होंगे तो उनका लाइसेंसी रिवाल्वर है और वो अपनी सुरक्षा के लिए सबको रखने का अधिकार होता है। मैंने हालांकि वो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन अगर वो लिए होंगे तो कोई अवैध रिवाल्वर थोड़े ना लिए। अच्छा, एक चीज़ हो सर, क्या आपकी ओर से कोई तहरीर दी गई है आपकी पार्टी की? जी, हमारे कार्यकर्ता बने, हमने तहरीर दे दी है और FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग उसमें कह रहे हैं। अभी देखें उसमें चूँकि हम लोगों के पास वीडियो ही है, उसमें हम लोग बहुत लोगों को पहचानते नहीं हैं। अभी कुछ लोगों के नाम आए हैं जिसमें रुद्रपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भी नाम आया है कि एक फ़ोटो उनका था। कुछ लोग ऐसी खालिस्तान फोर्स का टी शर्ट पहने हुए लोग हैं, ऐसे सब फोटोएँ वगैरह वायरल हो रही हैं, उसमें से अब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मैं किसी को जानता तो हूँ। रुद्रपुर से सर आपने कहा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की फोटो सामने आई है, ये क्या उस प्रदर्शन में? ये मुझे सुनने को मिला है। हाँ।
मैंने तो देखो मैं वहाँ नहीं था, ना मैं वहाँ था ना मेरा बेटा था, तो इसलिए मुझे ये सब एकदम जानकारी नहीं, लेकिन जो मैं फोटो में देख रहा हूँ या लोग जो मुझे बता रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको सूचना दे रहा हूँ।